It is a world, a desire to connect the world. शुरू करते हैं डीटीपी का क्लास। अब डीटीपी जो है आज से 10 साल 15 साल पहले जब जाते हैं तो रोजगार का सबसे बड़ा साधन हुआ करता था, क्योंकि आज डिजिटल मार्केटिंग इतना तेजी से फैला है कि बहुत सारा स्कोप कंप्यूटर सेक्टर में आ गया है। लेकिन उस समय जब डिजिटल मार्केटिंग इतनी तेजी से नहीं फैली थी, ठीक है ना, तो उस समय डीटीपी रोजगार का सबसे बड़ा साधन हुआ करता था। 2000 की बात बता रहे हैं, 1999 की है ना, 1999 की बात। जब हमने कंप्यूटर में पदार्पण किया तो कंप्यूटर क्यों लिया, अगर कभी नौकरी नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ तो कुछ रोजगार करेंगे। तो जब हम एक्सपर्ट से सलाह लेना प्रारंभ किए तो उनका बोला कि डीटीपी कर लीजिए, तुरंत रोजगार आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो डीटीपी ऐसा पैकेज था कि जो कम खर्च करके यानी कम लागत में हम एक अच्छा व्यापार कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या करता है, नीचे वाले सेक्टर को जो है, नीचे वाले सेक्टर को ये छोड़ते जाता है और एडवांस सेक्टर को फॉलो करता है, ठीक है ना। आज आप मोबाइल चला रहे हैं तो क्या मोबाइल जो आज 10 साल पहले यूज करते थे वही चल रहा है ना, तो वो नहीं चल रहा है, ठीक है ना। इसमें आपको ध्यान रखना होता है आगे वाला चीज। तो कंप्यूटर और मोबाइल क्या हो रहा है कि बैक वाले चीज को छोड़ते जाता है और आगे वाला चीज आते जाता है। तो हम क्या करते हैं, पुराने चीज को छोड़ देते हैं और नए चीज को पकड़ लेते हैं। तो उसी प्रकार डीटीपी का भी आया, डीटीपी को हम छोड़ दिया अभी, लेकिन शुरुआत तो बिजनेस का डीटीपी से ही किए थे ना। बहुत लोग डीटीपी से जो कंप्यूटर में इन किए, जो थोड़ा बहुत पढ़ के तुरंत रोजगार चाहते थे, डीटीपी में आए। आज डिजिटल मार्केटिंग का जो फैलाव है इतना इसका विस्तार हो गया है कि इसको हम पुराने चीज को छोड़ करके नई चीज में आ जाते हैं। लेकिन जो लाठी जहां से शुरू हुई थी, जिस लाठी के सहारे हम कंप्यूटर में आगे बढ़ते चले गए, उस लाठी को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसमें से ये सबसे बड़ी बैसाखी का काम किया था रोजगार देने में, तो इस लाठी को हम प्रारंभ करते हैं फिर से। इसका नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आखिर इसका प्रयोग क्या अभी भी हम कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं। आप बाहर निकलिए, हर चौक चौराहे पर आपको कहीं ना कहीं बैनर दिखाई देगा। तो बैनर क्या दिखाता है, ये फलने की दुकान है, इसमें मोबाइल रिचार्ज होता है, यहां पर ऑनलाइन का काम होता है, ये कपड़े का दुकान है ना, ये शॉप है। तो किसके कारण आप जान जाते हैं कि शॉप है, तो शॉप के आगे बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है। तो इस तरह का जो भी हम काम करते हैं ये काम डीटीपी के अंतर्गत ही करता है। लेकिन डीटीपी का और फंक्शन होता है, जैसे हम अकाउंटिंग कर लिए, अकाउंटेंट बन गए, ये मत सोचिएगा कि डीटीपी जो है सिर्फ डिजाइनिंग के कार्य में आता है। एक अच्छे अकाउंटेंट को चाहिए कि वो जो रख रखाव कंप्यूटर जो रख रखाव होता है, प्रिंटिंग होता है, पेज सेटिंग होता है, साइजिंग होता है, ये अकाउंटेंट को नहीं आता है। टेली पढ़ना था, टेली पढ़ लिए, अकाउंट सीख लिए, चले गए। लेकिन जब काम करने बैठेंगे आप कंप्यूटर पर अकाउंटेंसी का काम कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपके यहां किसी भी पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पेज प्रिंट करके नहीं निकालना पड़ेगा, वहां भी निकालना पड़ेगा, वहां भी सेटिंग होगा। चेक प्रिंट करना है तो चेक की अलग फॉर्मेटिंग होती है, जो डीटीपी के तरह ही उस पेज को हम सेट करते हैं। तो अच्छे अकाउंटेंट को भी चाहिए कि डीटीपी की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोग्रामर को भी चाहिए, आप अच्छा फोटोशॉप में कमांड नहीं किए हैं तो आप डिजाइन नहीं बना सकते। आप प्रोग्रामिंग को खूबसूरत नहीं बना सकते हैं। खूबसूरत शब्द जैसे ही आपके दिमाग में आएगा आपको डीटीपी याद करना पड़ेगा। आप एनिमेटर भी बनते हैं, एनिमेशन भी शुरुआत जो होती है वो डीटीपी वाली फाइल से होती है, फोटोशॉप से शुरू होती है। और साइजिंग की बात आएगी, पेज मेकर से साइजिंग आप सीखते हैं कि इसका कितना साइज होना चाहिए, ठीक है। और टाइपिंग की गति, आप टाइपिंग सीखे, एक साल सीखे, दो साल सीखे, लेकिन आप जब परीक्षा दीजिए तो स्पीड आपका स्लो हो जाता है। क्यों होता है, कि आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं किया, आप टाइपिंग किए, 10 मिनट किए, छोड़ दिए, बस हो गया, काम चल गया। आप जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाइएगा, कभी आपने अपने लाइफ में 50 पेज लिखा, रोज कम से कम 5 पेज लिखा, एक पेज लिखते लिखते आप थक जाते हैं। तो ये जो है डीटीपी आपको इतना चीज आपको अंदर से मजबूत कर देगा कंप्यूटर सेक्टर में। आप आगे प्रोग्रामर बनिए, डिजाइनर बनिए, एनिमेटर बनिए, लेकिन अगर आगे बढ़ते हैं
एमएस ऑफिस के बाद तो सबसे सरल और सबसे मजेदार अगर कोई कंप्यूटर का कोर्स है तो डीटीपी है। तो देखते हैं क्या होता है। यहां पर भी लिखा है डीटीपी स्टैंड्स फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, क्लियर हो चुका है मीनिंग। दिस इज अ पैकेज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज मोस्टली यूज्ड फॉर स्टूडियो वर्क एंड फॉर प्रेस यूटिलाइजेशन। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग समझ में आ गया क्या है। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, प्रेस के लिए, स्टूडियो कार्य के लिए, बैनर्स के लिए, है ना। और कहां पर होता है, हर जगह होता है, हर जगह आपको इस तरह का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे है इसमें क्या होता है, ये इसमें भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पैकेज बना हुआ, ठीक है ना, तरह तरह का पैकेज इसमें भी पढ़ना पड़ता है। द वर्ड डीटीपी इज मोस्ट फेमस इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन बिकॉज दिस पैकेज इज मोस्ट डिमांडिंग फॉर पीपल ऑफ टूडे एंड द वर्क्स ऑफ प्रेजेंट इरा। अब ये बहुत ही फेमस भी है, हम बता दिए कि अगर रोजगार तुरंत चाहिए तो डीटीपी ही आपको दे सकता है। आप डीटीपी पढ़िए, अपने घर में दुकान लगाइए, टाइपिंग का कार्य शुरू कर दीजिए, स्टूडियो कार्य शुरू कर दीजिए, ऑनलाइन का कार्य शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर कंप्यूटर कोई फास्ट चला सकता है तो डीटीपी ऑपरेटर ही चला सकता है। प्रोग्रामर भी ऐसे उंगली उठा उठा के टाइपिंग करते हैं, ये डीसीए भी जो छोटा मोटा पर है वो भी उंगली उठा के टाइपिंग करते हैं, लेकिन टाइपिस्ट जब टाइपिस्ट अगर है तो समझ लीजिए वो डीटीपी होल्डर है ना। अगर कंप्यूटर को कोई फास्ट चला सकता है तो डीटीपी ऑपरेटर ही चला सकता है, ठीक है। और ये हमारे मार्केट की हमारे लिए सबसे डिमांडिंग पैकेज भी है, ये गरीब से गरीब आदमी भी सीख सकता है क्योंकि ये ज्यादा महंगा नहीं होता है ना। महंगा होता है पैकेज वाइज, इसको शॉर्ट भी हम सीख सकते हैं और लॉन्ग भी सीख सकते हैं, हम लोग यहां पर लॉन्ग सीखने वाले हैं। इन दिस पैकेज वी लर्न अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें क्या सीखते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखते हैं, फोटो डिजाइनिंग के बारे में सीखते हैं एंड प्रेस वर्क्स, और प्रेस के कार्य को सीखते हैं। दिस पैकेज इज वेरी इजी टू लर्न, और इस पैकेज को सीखना बड़ा ही आसान है। मोस्ट ऑफ द डीटीपी पैकेजेस कंटेन्स थ्री सॉफ्टवेयर्स, अधिकतर डीटीपी के पैकेजेस में तीन सॉफ्टवेयर लगभग पड़ते हैं, पेज मेकर पड़ते हैं, कोरल ड्रॉ पड़ते हैं, फोटोशॉप पड़ते हैं। अब इस चीज को आप कहीं एक महीने में पढ़ लिए, थोड़ा थोड़ा पेज मेकर पढ़ लिए, कोरल ड्रॉ पढ़ लिए, फोटोशॉप पढ़ लिए, एक महीने में काम चलाओ तो सीख लिए, लेकिन डेप्थ नॉलेज के लिए आपको इसमें लगे रहना पड़ेगा, इसका कोई सीमा रेखा नहीं। हम भी आपको नहीं बोलेंगे सारा चीज आपको पढ़ा सकता है, क्योंकि हमको भी उतना नहीं आता है इसमें, और सीख भी नहीं सकते, ठीक है ना। आप 5 साल भी चला लीजिए, आपको लगेगा कुछ और नॉलेज चाहिए इसमें, ठीक है ना। इसका लिमिटेशंस नहीं है, हम आपको टेली ए टू जेड आपको बता सकते हैं, पूरा किताब संपूर्णता खत्म कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ लगेगा कि हम बहुत चीज सीख लिए, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है, फिर उसमें एक्सपीरियंस होनी चाहिए। कला हमारे अंदर में नहीं है, हम ऑप्शन आपको बता रहे हैं, जब तक आपके अंदर में कला नहीं आएगा तो ऑप्शन भी काम नहीं करेगा, ठीक है ना। बट समवेयर देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, लेकिन बहुत ऐसे पैकेज हैं जिसका डीटीपी में प्रयोग करते हैं एट द डिमांड ऑफ मार्केट, और मार्केट के आधार पर कुछ ऐसे रेडीमेड पैकेजेस भी हैं जिससे हम तुरंत डीटीपी का कार्य कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि रेडीमेड बना हुआ है, आपको संतुष्टि उतनी नहीं होगी जितनी आप पैकेज अपने से करके उस डिजाइन को तैयार कीजिएगा और रेडीमेड डिजाइन बनाइएगा, संतुष्टि नहीं होगी, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन डीटीपी हैज बीन डिवाइडेड इन द पार्ट्स, इसको जो है भाग में बांट दिया गया है, एक हो गया जनरल डीटीपी और एडवांस डीटीपी, हम लोग इसमें एडवांस डीटीपी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब डिटेल्स ऑफ जनरल डीटीपी, अगर आप कहीं भी जनरल डीटीपी पढ़ते हैं तो जनरल डीटीपी कंटेन्स द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप, इसमें कोई भी आप ओल्ड वर्जन भी सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फोटोशॉप में क्या होता है, इन दिस ओनली स्टूडियो एंड प्रेस रिलेटेड ऑप्शंस विल बी टॉट, अगर जनरल पढ़ते हैं तो इतने दो चीज सिखाया जाएगा, नॉट एनिमेशन एंड वेब डिजाइनिंग ऑप्शंस विल बी टॉट फॉर ओनली मल्टीमीडिया स्टूडेंट्स, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो डेप्थ में इसको जाएंगे तब ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें स्कैनिंग वर्क, ये पुराना पैकेज था मिस्टर फोटो, अब नहीं चलता, ऐसा बहुत सा कॉलेज आप पढ़ते हैं फ्रेम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बना हुआ वहां भी कर सकते हैं, लेकिन ये मिस्टर फोटो का बहुत बड़ा थैंक्स है, जब 2000 के दशक में कोई भी भारी भरकम एप्लीकेशंस नहीं था स्टूडियो के लिए, तो लगभग लोग जो है मिस्टर फोटो का प्रयोग करते थे फोटो डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि फोटोशॉप भारी हुआ करता था, फोटोशॉप में वो कॉमन आदमी डिजाइन नहीं कर पाते थे, लेकिन मिस्टर फोटो में तुरंत डिजाइनिंग हो जाता था, ठीक है। और उसके बाद प्रिंटिंग वर्क आ जाता है,
इसके बाद है एडवांस डीटीपी। ये एडवांस डीटीपी मेरा बनाया हुआ है। इसके अंतर्गत अब क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत भी पेज मेकर पढ़ाएंगे, कोरल ड्रॉ पढ़ाएंगे। लेकिन यहां जो कोरल ड्रॉ, ये पुराना वर्जन है, ठीक है ना, इसमें भी आपका जो वर्जन हम टच करना है X7 या X8 हम टच करेंगे, X7 या X8 आपका टच करेंगे। देख लीजिए कहां वर्जन है। आप अभी भी दूसरी जगह जाइए तो 11 या 12 13 ही आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए कहां तक वर्जन है। और यहां से फोटोशॉप जो है उसमें 7 तो पढ़ाएंगे ही। ये जो ऊपर में हम आपको दर्शाए थे ये वाला 7.0, ये तो टच करेंगे ही, ठीक है ना। इसको भी हम डाल देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए, 7.0 ये भी टच करेंगे। लेकिन ये सीसी वर्जन, ये पढ़ाने के लिए सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन हैवी होना चाहिए, i5 से नीचे नहीं, ठीक है ना। और 8GB रैम होनी चाहिए आपके सिस्टम का, जैसे ये टच कीजिए और हम यहां पढ़ाएंगे। अब आप खरीद भी लिए लोअर वर्जन तो ये पुराना ही चलेगा, ठीक है ना। इन दिस ओनली, इसमें क्या करेंगे कि इन दिस ओनली स्टूडियो एंड प्रेस रिलेटेड ऑप्शंस विल बी टॉट, नोट एनिमेशन एंड वेब डिजाइनिंग ऑप्शंस विल बी टॉट फॉर द मल्टीमीडिया। तो वही सेम चीज लिखा है, इसमें बीच में ही आपका क्लास खत्म हो जाएगा अगर आप नॉर्मल पैकेज चूज किए हैं, एडवांस चूज किए हैं, तब आपका ये मल्टीमीडिया वाला पार्ट है, इसमें एनिमेशन है, वो जो फुल आईटी प्रोफेशनल हम पैकेज रखे हैं उसमें ये जाएगा, ठीक है। जिनका कोर्स जो फ्लैश रिलेटेड है, फ्लैश अभी किसी का नहीं, उसमें जाएगा पूरा ये, स्कैनिंग वर्क आ जाएगा, प्रिंटिंग आ जाएगा, मिस्टर फोटो अगर चलेगा इसमें, तो हमको उम्मीद है कि इसमें नहीं चलेगा तो हम इसके एवज में आपको दूसरा पैकेज देंगे उसी तरह का। साइज मेकिंग आप सीखेंगे इसमें, इसमें साइज मेकिंग स्टूडियो में जो साइज मेकिंग था वो हम बताते थे प्रोफेशनल, इसका फीस लगता था दूसरे को सेट करने में, प्रोग्रामिंग सेट किया जाता था मिस्टर फोटो में। आपको पासपोर्ट निकालना है, पासपोर्ट मारिएगा, पासपोर्ट अपने सेट हो जाएगा। A4 निकालना है, पोस्ट कार्ड निकालना, सबका इसका साइजिंग होता था। डिजिटल फोटोग्राफी विद डिजिटल कैमरा, ये भी हम उसमें ऐड किए हुए थे। MS पब्लिशर, ये आपको जो है अब MS पब्लिशर, ये पुराना वाला कोई भी फाइल यहां पर अब आपको नहीं देने वाला, ठीक है। इसमें 19 आएगा या 365 आएगा, ये सबसे हैवी वर्जन, पीछे वाला कुछ नहीं, MS ऑफिस का कोई पीछे वाला वर्जन अब आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये भी आता था डिजिटल फोटो, अब तो फोटोग्राफी सबको आता है। एक समय था कैमरा देखता था कि ये कैमरा होता है, अब तो हर व्यक्ति के पास कैमरा है, मोबाइल है, सब कुछ है। तो ये चीज हमको समझाना नहीं है। आगे है पब्लिशर इंपॉर्टेंट, अगर आप डीटीपी होल्डर हैं, डीटीपी पढ़ रहे हैं, तो पब्लिशर बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है ये, जिसमें ब्राउसर बनाने के लिए सीखना पड़ता है। हम लोग वर्ड में ब्राउसर बना सकते हैं, बहुत मेहनत लगेगा। पेज मेकर में भी बनता है, मेहनत लगेगा। फोटोशॉप में बनता है, मेहनत लगेगा। लेकिन पब्लिशर जब इस्तेमाल करेंगे तो बहुत इजीली आप ब्राउसर को बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है, ये सॉफ्टवेयर जो है 2006 में मेरे पास आया था, बेल्टेक कार्ड डिजाइनिंग, बेल्टेक ग्रीटिंग्स कार्ड डिजाइनिंग, ये जो पार्ट था ये अगर चल गया तो ये भी हम आपको पढ़ा देंगे। एक में ग्रीटिंग्स कार्ड बनता है, अभी आपका 2021 इन करने वाला है, दिसंबर माह जो है आपका ग्रीटिंग्स डे के रूप में मनाते हैं आप लोग, और लगभग हाफ जनवरी का मंथ जो होता है उसमें ग्रीटिंग्स बनाता है। तो डीटीपी पर है और ग्रीटिंग्स न जाने तो बेकार है पढ़ना, है ना। आपका अपना बना हुआ है, अभी तक आप लोग जो भी बना के भेजते हैं वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाते हैं, लेकिन अगर फोटोशॉप सीख लिए तो बहुत सुंदर सुंदर ग्रीटिंग्स बना सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कैसा हो सकता है। और जो भी उसमें भी आपका कॉलेज बना हुआ है, जो भी फ्रेम बना हुआ है, वो भी फोटोशॉप बैकग्राउंड पर बना हुआ है, ठीक है ना, फोटोशॉप बैकग्राउंड पर बना हुआ है। अगर हम फोटोशॉप सीख लिए हैं तो अच्छा ग्रीटिंग्स बना सकते हैं, वो भी सारा कटिंग फोटोशॉप कोरल ड्रॉ से ही बनता है, वो भी फ्रेम, ठीक है। इसके बाद श्रृंगार, ये खत्म हो गया है, लेकिन श्रृंगार के रूप में भी हो सकता है कि कोई ऐसा एडवांस आ जाए तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। पोस्टर एंड होर्डिंग डिजाइनिंग, बड़ा बड़ा पोस्टर कैसे बनाएंगे, ये भी आ जाएगा। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोफेशनल एट द रनिंग, ये जो है स्क्रीन प्रिंटिंग का रखे हैं, अगर आप स्क्रीन प्रिंटिंग एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको हम प्रेस वर्क में आपको डिस्प्ले करा सकते हैं, वहां का वर्कशॉप जो है कैसे होता है वो भी हम आपको वीडियो एक बार खींच के लेते आएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं। ये सब खत्म हो गया, है ना, रिंगटोन्स वगैरह ये सब नहीं होता, इसका अभी कोई जरूरत नहीं है। तो ये पैकेज था मेरा डीटीपी का। इसके बाद जो सबसे पहले आता है
पेज मेकर, ठीक है। तो ये जो डीटीपी है आपका कौन कौन पैकेज में इन कर जाएगा, एडीसीए प्लस में आपका ये पैकेज है, ठीक है, पीजीडीसीटीटी में है, मल्टीमीडिया में है, ठीक है ना। अगर आप स्पेशल सिर्फ डीटीपी भी पढ़ रहे हैं तो दोनों में कौन सा पढ़ रहे हैं ये आपको तय करना होता है। तो चलते हैं हम लोग, शुरू करते हैं पेज मेकर का। हम आप लोगों को ऑफलाइन में पेज मेकर क्या है, कैसे है, हम बता चुके हैं। तो पेज मेकर वॉज डेवलप्ड बाय द फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड एल्डस कॉरपोरेशन। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस किसके द्वारा बना हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बना हुआ है। ये किसके द्वारा बना हुआ है, एल्डस कॉरपोरेशन के द्वारा बना हुआ है। कब बना है, इन 1985 में। मतलब ये जो इनका फुल फॉर्म एडोब के रूप में जाने जाते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर बना पेज मेकर 1985 इसमें ही बना है। इन 1994 एल्डस कॉरपोरेशन वॉज रिजर्व बाय एडोब सिस्टम। हाँ ठीक है, यहां पर ये समझ लीजिए, पेज मेकर जो बना किसके द्वारा, एल्डस कॉरपोरेशन के द्वारा, लेकिन 94 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, किसमें रिजर्व कर लिया, परचेज कर लिया, ठीक है ना। किसने परचेज कर लिया, एडोब सिस्टम ने। एडोब सिस्टम ऑल्सो रिजर्व द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, और वो सिर्फ पेज मेकर को ही नहीं रिजर्व किया, फोटोशॉप भी ले लिया, एडोब प्रीमियर को ले लिया, और इसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, सबसे कॉस्टली सॉफ्टवेयर है ये एडोब की, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कि पेज मेकर इज द फेमस ग्राफिक डिजाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज मोस्टली यूज्ड एट ऑल द प्रेसेस एंड स्टूडियोज इन द वर्ल्ड। संसार के सभी प्रेस या स्टूडियो की बात होगी तो उसमें पेज मेकर यूज किया जाता है, या यूज करते हैं, या यूज कर रहे थे, ठीक है ना। आगे देखिए, बेसिकली दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस फॉर राइटिंग एंड टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट। अब इसका प्रयोग हम क्या क्यों करते थे, सपोज आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो पूरे पैराग्राफ को उठा के ले जाने के लिए आपको कट करना होता है, या कॉपी करके फिर पेस्ट करना होता है, आप उसको इजिली मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेज मेकर में आप कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट को भी कहीं से कहीं उठा के लेके जा सकते हैं, जहां रखना हो उठा दीजिए, उठा लीजिए और वहां रख दीजिए। यह संभव था पेज मेकर से, जो सबसे बड़ा फीचर इनका उठ के आया था, जो इनको चाहने वाले थे बहुत पसंद करते थे। अब देखिए, इट इज वेरी इजी टू फॉर्मेट द टेक्स्ट, और बहुत आसान है इसमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, इफ वी कमांड ओवर इट्स शॉर्टकट कमांड्स। यदि हम इसके शॉर्टकट कमांड्स को याद कर लेते हैं, कमांड कर लेते हैं, तो इट कैन बी इजियर टू ऑपरेट पेज मेकर। तो पेज मेकर को ऑपरेट करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा। इट हैज द फॉलोइंग वर्जन्स, इनके वर्जन है पेज मेकर 6, पेज मेकर 6.5, एंड लेटेस्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज पेज मेकर 7.0। और ये कम से कम 16-17 साल पहले, यानी 20 साल से सॉफ्टवेयर चल रहा है, और आज तक 10 में भी चल रहा है। ये सॉफ्टवेयर का सोचिए कितनी बड़ी पावर है। एमएस ऑफिस चेंज हो गया, लेकिन इसका भी अपग्रेडेड वर्जन आया है, लेकिन वो ज्यादा इसके जैसा हिट नहीं रहा है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। अब यहां से आपको टास्क दिया गया है कि ओपन पेज मेकर 7.0 एंड राइट डाउन ऑल द कमांड्स, ठीक है। अब कैसे इसको खोलेंगे, प्रोग्राम में जाइए, एडोब में जाइए, और पेज मेकर पर क्लिक कर दीजिए, और यहां पर भी खोलेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, एडोब पेज मेकर। सिर्फ पेज मेकर नहीं, एडोब पेज मेकर, ठीक है। जैसे एडोब इस पर क्लिक करेंगे, पेज मेकर आपका यहां से इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको पेज सेलेक्ट करना होता है, कुछ भी बनाएंगे सबसे पहले पेज। अब हम चलते हैं थोड़ा सा असाइनमेंट पर, क्या क्या हमको करना है। ये देखिए, इस प्रकार से अगर कुछ भी आ जाए कलर को रहने दीजिएगा, ठीक है। इसको आप साइड कर सकते हैं, यहां से मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए मिनिमाइज हो गया, छोटा हो गया। ये जो यहां पर खुला है इसको बोलेंगे कलर पैलेट, और ये जो नीचे यहां खुला हुआ है कंट्रोल पैलेट, ठीक है ना। ये पेज मेकर का कंट्रोल पैलेट है। इसके बाद हम यहां से फाइल में जाएंगे। पहला असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले न्यू देखना है। जिस प्रकार हमने एमएस ऑफिस में फाइल एडिट बहुत सा इस तरह का मेनू पढ़ा, ये पूरा जो है मेनू बेस्ड है, न कि रिबन बेस्ड। अभी तक हम लोग एमएस ऑफिस जो पर है रिबन बेस्ड है, ऑप्शन बेस्ड है, ये मेनू बेस्ड। किसी को क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरह का मेनू निकलेगा नीचे। यहां पर आपको पहला असाइनमेंट के लिए आपको न्यू करना है। यहां से सबसे पहले आपका टास्क आज का है, सारा कमांड आपको लिखना है।
यहां पर क्लिक करेंगे बेशक जो है अभी तक पढ़ते आए न्यू से न्यू पेज आ जाता है, इसमें भी आ जाएगा। दूसरा है अगर आप इसमें कुछ बनाए हैं तो ओपन पर आपको क्लिक करना है। रिसेंट पब्लिकेशन, अगर पेज मेकर में कोई काम किए हैं हाल फिलहाल में, ठीक है ना, जैसे देखिए हमने यहां पर काम किया है, इस पर यहां हमको ओके करना है। ये देखिए ये खुल गया, ये हम आपको बताए थे खुल गया। इसके बाद चलते हैं क्लोज पर, क्लोज पर कंट्रोल डब्ल्यू लिखा हुआ, कंट्रोल डब्ल्यू वर्ड में भी काम करता है, तो कंट्रोल डब्ल्यू कीजिएगा तो इसका पेज बंद हो जाएगा, कंट्रोल एन करेंगे तो नया पेज खुलेगा। ये अभी एक फाइल का सारा कमांड्स कमांड करना है, इसमें डिले नहीं होता है, ठीक है। न्यू समझ में आ गया, ओपन भी समझ में आ गया। ओपन अगर आप हार्ड डिस्क के कोई फाइल रखे हैं वहां से आपको पेज मेकर का निकालना है कोई बना हुआ फाइल, तो यहां से आप खोलिए। और देखिए ये अभी तक 98 के मॉडल में खुलता है, ये एक एग्जांपल है जो पुराने लुक में खुलता है, ये पुराना लुक है, इसका लुक भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, लुक भी नहीं बदला है, फिर भी ये सॉफ्टवेयर अभी तक हिट है, इसके टक्कर में कोई बना ही नहीं पाया दूसरा कंपनी, ठीक है ना, और बना भी पाया तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चला, उसी में खुद अपग्रेड करता है, फिर पीछे वाला खत्म हो जाता है, अपग्रेड किया पीछे वाला समाप्त हो गया, और इसने कुछ नहीं किया फिर भी आज 20 साल से राज कर रहा है। हाँ ये हो गया कि लोग कोरल ड्रॉ में अब ज्यादा बनाने लगे हैं, फोटोशॉप कोरल ड्रॉ, लेकिन कोरल ड्रॉ का वर्जन बदलते गया, वर्जन देखे 11 था, इसके भी पहले था, कोरल 5 पढ़े थे, ठीक है ना, उसके बाद 9 था, फिर उसके बाद 11 से अभी तक उसका आगे भी जा रहा है, X6, X7, X8 इस तरह से बढ़ते जा रहा है वर्जन, लेकिन पेज मेकर ने कुछ नहीं किया है, उसे इनडिजाइन एक सॉफ्टवेयर एडोब ने लॉन्च किया है, उसमें पेज मेकर के गुण दिया गया है, लेकिन उसमें पेज मेकर भी मिक्स है, फोटोशॉप भी मिक्स है और टेक्स्ट मिक्स है, तो वो इसके बदले आया है, बहुत जगह उसका यूज भी किया जाता है, लेकिन पेज मेकर का स्थान अभी भी वही है, प्रेस वाले इनको अभी भी लाइक करते हैं और इसमें काम करते हैं, यहां से आप खोल सकते हैं। आगे देखिए, अब इसके बाद क्लोज, क्या क्लोज यहां पर अभी काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, कोई फाइल खुली भी नहीं है, अगर ये देखिए जो जो हाईलाइट नहीं है इसके अनुरूप कोई भी फाइल नहीं है, इसलिए आपका जो है ये कार्य नहीं करेगा। यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेज को लाएंगे, ठीक है, पेज को यहां पर, पेज को जैसे लाएंगे यहां पर न्यू ऑप्शन आएगा, तो न्यू ऑप्शन में क्या क्या होता है इसको पहले देख लीजिए। न्यू ऑप्शन मतलब है यहां पर क्लिक करेंगे तो पेज के लिए बताएगा, ये एक्सेस की तरह कार्य करता है, ठीक है ना, सबसे पहले आपको पेज ही क्रिएट करना होगा, तो पहला इसमें आएगा पेपर साइज, पेपर साइज का मतलब है कि जो आप कार्य करेंगे उसकी पेपर साइज कितनी होगी, ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक फोटो स्टेट पेपर ला लीजिए, जो नॉर्मल फोटो स्टेट पेपर है उनकी साइज है A4, उससे थोड़ा सा बड़ी रहती है तो आपका जो है लीगल लेटर ये साइज रहता है, तो हमको इसमें कौन चुनना है, किसको अभी पहचानता है, A4 को पहचानता है तो A4 ले लिए। A4 का डायमेंशन आपको याद रखना है कि देखिए ये वाला, जब आप इसका परीक्षा के व्यू से पढ़ेंगे, अगर इसको BCA लेवल पर पढ़ेंगे तो ये सारा चीज ऑप्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि A4 का डायमेंशन कितना है, लेटर का डायमेंशन कितना है, लीगल का डायमेंशन कितना है, ठीक है। अब यहां से देखिए डायमेंशन समझ में आ गया, अब यहां से इसके नीचे यहां पर टॉल और वाइड लिखा हुआ है, टॉल मतलब क्या हुआ लंबा, वाइड मतलब चौड़ा, इसी को MS ऑफिस में क्या कहा गया है, टॉल को वर्टिकल बोला गया है और वाइड को हॉरिजॉन्टल बोला गया, अब तो समझ में आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट है, बिंदा लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि टॉल मेरा सेलेक्ट है, अगर अभी हम इसको क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो टॉल पेज आपके सामने आ जाएगा, आ गया। फिर चलते हैं आप उसी ऑप्शन पर चलेंगे, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, फाइल में चले, फाइल में जाने के बाद ये डॉक्यूमेंट सेटअप ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है ये देखिए, यहां पर SH लिखा हुआ है और एक क्रॉस बना हुआ है और यहां पर P बना हुआ है, इसका मतलब एक शिफ्ट के साथ आपको इसमें P का प्रयोग करना है, तो शिफ्ट P एक बार करके देखते हैं, आयन वही, यानी वो प्लस जो यूज करते हैं इसमें एक कैरेट का निशान दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायमेंशन समझ गए, डायमेंशन के नीचे टॉल और वाइड भी समझ गए, एक बार वाइड पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है, अब तो पेज आपका यहां से मूव हो रहा है, ठीक है। फिर वही चीज करना है, कंट्रोल शिफ्ट P को, कंट्रोल नहीं दबाना है, शिफ्ट P को दबाए, फिर यहां से देखिए हम टॉल को लेते हैं,
फिर ओके करते हैं, मतलब आप पेज को इधर उधर मूव करने के लिए सीख गए। ठीक है, आगे फिर जाते हैं शिफ्ट पी पर या फाइल पर क्लिक करके कहां गए, डॉक्यूमेंट सेटअप पर। ठीक है, यहां पर ऑप्शन है, नीचे क्या है ऑप्शन, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, डबल साइडेड, उसके बाद फेसिंग पेजेस, यहां पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ डबल साइडेड को हम यहां पर एक बार क्लिक करके देखते हैं, इसको खत्म करते हैं। ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम पेज को लाएंगे नहीं। यहां पर ले लेआउट में जाके इंसर्ट पेज करेंगे, कितना पेज चाहिए, ये देखिए अभी सिंगल सिंगल पेज पर है, यहां पर जाता है इसको डबल साइडेड, दो पेजेस आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपका ये डिफॉल्ट जैसे है उसको रहने देना है। हमारे लिए जो नंबर ऑफ पेजेज है, जब इंसर्ट करेंगे दो पेजेज ऑटोमेटिक रहेगा और पहला से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां जो दिखा इनसाइड का मतलब है कि लेफ्ट साइड में जगह छोड़ना, आउटसाइड राइट साइड हो जाएगा, टॉप जो है ऊपर और बॉटम नीचे, तब देखिए यहां से बदल दिया है, या यही चीज पहले था जो एमएस ऑफिस में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम रखा हुआ है। अगर हम इनसाइड में जाकर के 0.5 करते हैं तो पेज पर क्या असर होगा, कि ये जो दोनों का दूरी है इसका इंचेज में हाफ इंच हो जाएगा। अगर यहां पर भी हम उसी तरह से करते हैं 0.5 टैब मारेंगे, एक खटाल एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब का इस्तेमाल करेंगे, फिर यहां पर 0.5, देखिए पेज पर असर हुआ कुछ, मतलब आप जो न्यू फाइल किए यहां से और इसका इस्तेमाल करके आपने ये यहां तक का ऑप्शन समझ गए। ये जो है इसके बाद है टारगेट आउटपुट रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन आप कितना रखना चाहते हैं, ये जब हाई क्वालिटी का बहुत निकालेंगे तो इसको बढ़ाएंगे, लेकिन पेज मेकर में हम लोग नॉर्मल ही निकालते हैं इसलिए यहां से 300 ही काफी है, इसको नहीं बढ़ाएंगे अभी, लेकिन जब बड़ा बड़ा बैनर बनेगा तो इसका डीपीआई भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पेज मेकर में जो बनता है ट्रेसिंग पेपर के लिए पेज बना हुआ है जो स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा छपाई होती है। ठीक है ना, और स्क्रीन प्रिंटिंग पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलता है, कलर कुछ नहीं है, कलर आपको यहां दिखाने के लिए है, ये सिर्फ इल्यूजन है, इल्यूजन समझते हैं, भ्रम। ठीक है, भ्रम मतलब क्या हुआ, भ्रम हुआ कि हम जिस स्थिति में हम बेटर हैं, ये भ्रम है आपका, आप कभी भी एक तरह की स्थिति में नहीं रह सकते, ऑलवेज आप बदलते हैं। ठीक है ना, तो यहां से पेज मेकर का भ्रम है, कलर लगा भी दीजिएगा तो स्क्रीन प्रिंट के द्वारा, लेकिन हाँ छाप के निकालेंगे तो कलर निकल जाएगा, किस पर, प्रिंटर पर, तो चूंकि ये ट्रेसिंग पेपर पर जब भी निकलेगा ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा, ट्रेसिंग पेपर प्लास्टिक टाइप सा पेपर रहता है, उसको पानी में भी डुबो दीजिएगा तो भिजता नहीं है, है ना, उसका जो है वो नहीं मिटेगा, और वही चीज फिर जाकर के प्लेट बना हुआ रहता है उस पर दिया जाता है, तो उस पर छाप करके उस पर कलर मारते जाता है, नीचे पेज रहता है जो आप बनाए हो सेम टू सेम निकलता है। तो एग्जांपल के रूप में आपका कार्ड डिजाइनिंग है, और हमको उम्मीद है कि आप लोग अपना प्रोजेक्ट तैयार कर चुके होंगे, कम से कम 5 शादी का कार्ड, 10 विजिटिंग कार्ड, 1 इंग्लिश पेपर, 1 हिंदी पेपर, इतना चाहिए, और 1 मैगजीन, उसके बाद 1 स्केल। ठीक है, इतना चीज आप प्रोफाइल लेके आएंगे और नेक्स्ट क्लास से ही आप हमको वो सुपुर्द करेंगे, उसमें हमको टिक मारेंगे, आपका वहां क्लास लगना चालू हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल चालू नहीं किए तो डीटीपी समाप्त हो गया, तो आगे डीटीपी पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, इतना हम दाग मार देंगे उसका टास्क बनना चाहिए, या आप अपने सिस्टम से बनाइए, मेरे सिस्टम बनाइए, जहां बनाइए, चूंकि सीनियर वाले के लिए हम पहले बता चुके हैं कि आपके पास अब सिस्टम होना चाहिए, साल भर कंप्लीट हुआ आप एक कंप्यूटर परचेज कीजिए। ठीक है, अभी चल जाएगा लेकिन असाइनमेंट पूरा आपको करना है। ठीक है, उसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना है तो आपको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहां तक देख लिए, अब इसके बाद ये मेरा पेज रेडी हो गया, यहां से इसके बाद है ओपन। ओपन जब करते हैं क्या होता है, जो फाइल हमने बनाया है
कहीं भी रखा है, किसी भी ड्राइव में रखा है, किसी भी लोकेशन पर रखा है, वहां से इसको निकाल सकते हैं उसी तरह। लेकिन इसका लुक जो है ये 98, मतलब आज से सोच लीजिए कि लगभग 17-18 साल पहले जो पढ़ते थे सॉफ्टवेयर, वही लुक है ये। लुक अभी तक ये नहीं बदला है, ठीक है ना, लुक वही है। अब यहां से आपको परेशानी होगा कि ये तो देखने में दूसरी तरह से लगता है। अब यहां से क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट वाइज यहां पर निकलेगा, आप जिस ड्राइव में सेव किए हैं, जैसे यहां एफ ड्राइव देखिए फॉर स्टूडेंट्स रखे हैं, यहां पर मिलेगा, ठीक है। यहां से भी फिर आप जो है जो दिस पीसी है इस पर भी क्लिक कीजिएगा तो ये आपका इस तरह से निकलेगा। फोल्डर बनाना होगा यहां से आप बना सकते हैं, इसको बड़ा छोटा करके देखना होगा यहां से आपको लार्ज आइकॉन्स ये देखिए इस तरह से, मीडियम आइकॉन्स ये इस तरह से, ये जो है ये लिस्टिंग है, स्मॉल आइकॉन ये है, आप यहां से आपको खोलेंगे, ठीक है। आप जब फोल्डर कोई भी टच करेंगे तो आपका कोई भी फाइल नहीं दिखेगा, जैसे आपका राम नाम का फोल्डर बना हुआ है और आपने एक्सेल बनाया, वर्ड बनाया और बहुत चीज उसमें रखा, तो यहां से आप देखिएगा उस फोल्डर में तो वहां पर ब्लैंक दिखेगा, क्यों कि हर प्रोग्राम का जो है ना एक्सटेंशन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन चेंज हो जाता है, रूप बदल जाता है और दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। आप वही हैं लेकिन इसका एक भी फाइल उसमें नहीं है तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आप वर्ड खोलना चाहते हैं तो वर्ड का दिखेंगे ना, यानी वर्ड में जाकर के वर्ड का फाइल खोलेंगे, ठीक है ना। तो मैच नहीं होने कारण वो नहीं दिखेगा, लेकिन पूरा देखना है तो यहां से पेज में करके जगह ऑल फाइल करेंगे सब दिखने लगेगा, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज रहेगा, वो दूसरे फॉर्मेट में रहेगा, यहां खुलेगा नहीं, खुलिएगा भी तो कोडिंग की तरह वो खुलेगा। तो इसलिए पेज मेकर, ये देखिए पेज मेकर सेलेक्टेड है, अर्थात क्या हुआ इसका अर्थ कि आप पेज मेकर में जाके सिर्फ पेज मेकर के फाइल को ही खोल सकते हैं, ठीक है। तो ओपन समझ में आ गया, उसके बाद है सेव, जानते ही हैं सेव एज भी उसी चीज का डुप्लीकेट, या लोकेशन हमको बदलना है एक एक्स्ट्रा फाइल बना के रखना है तो सेव एज आप करेंगे। इसके बाद है रिवर्ट, अब आप क्या कर रहे हैं कि एक कार्ड बना रहे हैं, कार्ड आप पिछले ही दिन बना के आधा छोड़ दिए थे, दूसरे दिन आए आपको कलर पसंद नहीं आया, फॉन्ट पसंद नहीं आया, डिजाइन पसंद नहीं आया, साइज पसंद नहीं आया, आप उसमें फिर बदल कर दिए, आधा घंटा परेशान होने के बाद भी आपको क्या हुआ, संतुष्टि नहीं हुआ, आपका पहले से और खराब लगने लगा, तो आप रिवर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे रिवर्ट पर कीजिएगा आपका जैसे था वैसे हो जाएगा, मतलब जो, लेकिन ध्यान रहे कि सेव ऑप्शन अगर मार दिए हैं तो जहां पर सेव किए थे वहीं तक आप पीछे जा सकते हैं, रिवर्ट मतलब पीछे बैक, ठीक है ना। आगे देखिए प्लेस, अगर आप यहां से कुछ भी लाना चाहते हैं तो लाने के लिए आपको प्लेस में जाना है, प्लेस में जाने के बाद यहां से आपको क्लिप आर्ट आपको इस्तेमाल करना है। क्लिप आर्ट कहां पर है, क्लिप आर्ट ई ड्राइव में हम रखे हैं, इमेजेस फॉर स्टूडेंट्स देखिएगा कहां पर होगा, ठीक है, देखिए क्लिप आर्ट यहां पर लिखा हुआ है। क्लिप आर्ट जैसे ऑन करेंगे, जैसे यहां पर देखिए गणपति का फोटो हमको चाहिए, गीता का चाहिए, गुरु का चाहिए, जो भी चाहिए यहां से फोटो आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें भी एक और क्लिप आर्ट होगा, तो पहले तत्कालिक जैसे ये हम बढ़िया वाला लेते हैं, यहां से जैसे काली का फोटो लेना है तो काली का फोटो लेना है तो यहां पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और यहां से यस करेंगे, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। आप शादी का कार्ड बना रहे हैं, फाइल पर जाएंगे, प्लेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से बैक करेंगे तो इसमें जो है गणपति का फोटो लगेगा, ठीक है, यहां पर जी प्रेस कीजिए, ऊपर में ही है, ये देखिए गणपति है। तो यहां से आपको किसी भी तरह का फोटो आप चाहिए यहां से लेंगे, ओके करेंगे, यहां से इस तरह से लेंगे, और हर चीज में आपको नाप से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेस ऑप्शन क्लियर हो गया। कुछ भी शुरू करने से पहले, अभी चूंकि आपको ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ भी शुरू करने से पहले आपको इसको यहां से यहां तक ये स्केल इसको मिलाना पड़ता है। यहां से हम प्लेस ऑप्शन से पहले हम चलते हैं थोड़ा सा, एक फोटो आपके पास यहां पर अवेलेबल है, इसको हम दिखाते हैं किस चीज का क्या नाम है, ठीक है। जब ये लोड होगा, जब YouTube पर हम चढ़ा देंगे तो यहां से इसका नाम आप पॉज करके इसको कॉपी में नोट बना लीजिएगा, ठीक है ना। और जो आपको इधर लिखाए हैं सारा चीज आप राइटिंग कर लीजिएगा, पिछले वीडियो में पढ़ा चुके थे,
तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।